अबे तेरे जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। जब लास्ट ओवर में सब सीएसके फैन समझ गया था कि हम हार गए हैं, फिर भी भाई माही का बैटिंग देखने के लिए इतने चिल्ला रहे थे सब, इतने उतावला होकर नाच रहे थे माही का बैटिंग देखने के लिए। इसे कहते हैं भाई फैन, जबरा फैन, जो अपने आइडियल का बैटिंग देखने के लिए इतना उतावला हो रहे हैं सब। यही कमाया है भाई माही ने इतने सालों तक। मैच तो भाई हम लोग सीएसके वाले हार गए, लेकिन पैसा पूरा वसूल हो गया बैटिंग देख कर माही का। हम लोग किस लिए मैच देखते हैं? कुछ मजा आना चाहिए, और वो मजा आज मिला दम हम लोग को। और टीम की तरह थोड़ी है फैन, तुम स्ट्राइक रेट ही देख लो बैटिंग का कितना है, ऐसे ही हाला थोड़ी है माई माई। दूसरा चीज एक और अच्छा लगा, जो कि ऋषभ पंत का फॉर्म में वापस आना। वो बंदा भी अपना फॉर्म में वापस आ गया भाई, उसके लिए भी बहुत ज्यादा खुशी हो रहा कि वो हमेशा अपने फॉर्म में अच्छा से खेले भाई, आगे भी ऐसा ही बैटिंग करते रहे। माही भाई के ग्राउंड पे आने के बाद ग्राउंड का डेसिबल लेवल 128 पहुंच गया, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट डेसिबल लेवल है। किसी के नहीं गया था इतना डेसिबल लेवल किसी टीम के, जो कि आज चला गया भाई। समझ सकते हो कितने फैंस उतावले हैं माही के लिए। माही भाई के क्रेज ही अलग है, फॉलो फॉर ए रीजन। सीएसके हार गया भाई, लेकिन फैंस लोग ऐसे नाच रहे थे, ऐसे मुंह फाड़ रहे थे जैसे लग रहा है मैच जीत लिया, एकदम प्रतियोगिता कोई जीत लिया है। और यहाँ पे तारीफ करना होगा मुकेश कुमार का भी भाई, वो बहुत ही अच्छा बॉल डाल रहा था बंदा, माही से भी लगने नहीं दे रहा था, पर डर भी था उसको इसलिए वाइड फेंक रहा था। जब से माही भाई क्रीज पे आए हैं मतलब बहुत ज्यादा वाइड फेंकने लगे बंदे, तो समझ सकते हो उनका डर और उनका क्रेज कितना है। माही भाई के बैटिंग में इतना खो गया भाई कि कितना रन से हारा सीएसके, की क्या हुआ बाद में ये सब कुछ हमको पता नहीं है। और मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहता हूँ खलील अहमद को, जो थला का एक कैच छोड़ दिए। थैंक यू सो मच भाई, भगवान आपका भला करे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।